हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, लोकसभा में एक बिल है जिसको अमेंड किया गया है, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं और उसको लेके काफी सारे क्रिटिसिज्म भी हो रहे हैं। तो ये जो बिल है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे थोड़ा एनवायरमेंट के बारे में, यानी कि बायोडायवर्सिटी जो है हमारी, इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं जिसमें मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था बायोडायवर्सिटी के बारे में। आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, चलिए पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दरअसल जो टॉपिक है, एक बिल आया है लोकसभा में बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को लेकर, यानी कि हुआ क्या है, मुद्दा है तो बिल इन लोकसभा अमेंड बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, 20 ईयर्स ओल्ड लॉ। यानी 2002 में एक बायोलॉजिकल एक बिल आया था, उसमें कुछ बदलाव लाए गए हैं। तो बदलाव क्या लाए गए हैं पहले तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में, और क्या जरूरत आन पड़ी बदलाव की, और दूसरा ये जब आया था आज से 20 साल पहले तब क्या रिक्वायरमेंट रही होगी, तो उसी से रिगार्डिंग हम चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे, दरअसल हुआ क्या है कि ये जो बिल अभी जो बदलाव लाया गया है, इसको बताया जा रहा है कि टू सस्टेन यूज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो होता क्या है कि देखिए, हमारे जो जंगल है, हमारी जो बायोडायवर्सिटी है, इसमें बायोडायवर्सिटी में सारे लोग आ जाते हैं, तो उनका जो कंसिस्टेंटली सस्टेनेबली यूज है हमारी सोसाइटी में, अगर मैं बात करूं जंगल की बात करूं, तो जंगल में ऐसे बहुत सारे जानवर है जिससे हमें रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं, लकड़ी हो गई है, दवाइयां हो गई हैं जो काफी सारी हमें जंगलों से प्रोवाइड होती है। तो उसी के लिए ध्यान में रखते हुए ये बिल में कुछ अमेंडमेंट लाए गए हैं। तो पहले मैं यहाँ पे बायोडायवर्सिटी के बारे में बात करूंगा, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए, पहले मैं बताना चाहूंगा व्हाट अबाउट लॉ, ये लॉ क्या है। तो उससे पहले मैं बायोलॉजिकल डायवर्सिटी बता देता हूँ, होता क्या है बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी की बात करूं तो इट इज अ लाइट फॉर्म ऑफ अबाउट प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि बायोडायवर्सिटी क्या है, बायो मतलब यानी कि लाइफ, लाइफ जितनी भी है हमारे जंगल में, चाहे वो प्लांट है, जानवर है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, उन सबसे मिलकर क्या बनती है, हमारी बायोडायवर्सिटी बनती है। अब हुआ क्या था कि ये 2002 में जो बिल लाया गया था, इसकी जरूरत क्या थी, टू प्रिजर्व बायोडायवर्सिटी, बेसिकली बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए। दरअसल हुआ क्या था ना कि जब देश आजाद हुआ था हमारा, एक मैं छोटी सी यहाँ पे एक स्टोरी बताना चाहूंगा, जब जैसे आपको पता होगा जो ब्रिटिशर्स आए थे हमारे देश में, तो रेलवे वही लोग लेकर आए थे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो या अगर आप थोड़ा सा इसको रिकॉल कर सको, जब रेल की पटरियां अगर आप पुराने जमाने की देखो, अंग्रेजों के टाइम की, तो जो रेल की पटरियां जो होती है इस तरीके से होती है हमारी रेल की पटरियां, तो उसमें जो ये इस तरीके से ऐसे लगाई जाती है चीजें, ये लकड़ी के पाए जाते थे, अभी कंक्रीट के पाए जाते हैं, ये पहले लकड़ी के पाए जाते थे। तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जंगल काटे गए थे उस जमाने में। तो एक टाइम ऐसा आया था कि जब लगा कि जंगल काट काट के लकड़ी के ट्रैक बनाए जा रहे हैं, तब जाके फिर सीमेंटेड वे में आई थी ये चीजें। तो कहते ना कि जब डेवलपमेंट होता है किसी भी सोसाइटी में, तो उसका कहीं ना कहीं एनवायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरा ये है कि लोग, कोई लॉ नहीं थे एनवायरमेंट को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर लॉ नहीं थे, तो लोग क्या करते थे कि एक कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा अपने बेनिफिट के लिए लोग चीजों को खत्म करते जा रहे थे, तो इसलिए ये लॉ या जो बिल लाया गया था 2002 में। उसके अलावा इंडिस्क्रिमिनेट यूज किया जा रहा था, मतलब बेबुनियाद तरीके से उस चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके अलावा मेडिसिन यूज के लिए लाया गया था कि उसको सस्टेनेबली यूज किया जाए दवाइयों के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि मेडिसिन में लोग कोई गलत चीजों में ना इस्तेमाल करें, इसलिए उसको मेडिसिनल यूज में लाया गया। उसके अलावा हेल्प टू कम्युनिटीज, कम्युनिटीज के बारे में अगर मैं बात करूं, देखिए अभी आपने मणिपुर का मुद्दा देखा ही होगा, उसमें एक बात कही गई थी कि जो कुकीज कम्युनिटी होती है, तो उनको क्या होता है, बेसिकली उनका अपना एरिया है, लैंड है, तो वो जो लैंड एरिया है, जो ट्राइबल लोग होते हैं जंगलों में, जो ट्राइबल लोग होते हैं उनके, उसको प्रिजर्व वो इसीलिए करके रखते हैं उसको, वो कम्युनिटी के लोग, ताकि उनका एनवायरनमेंट को खराब ना हो। तो यहाँ पे जो बिल है जो बता रहा है कम्युनिटीज को हेल्प के लिए, यानी कि जो कम्युनिटीज होती है उनको भी मदद हो इसमें, अगर कोई रिसोर्सेज है जो जंगलों से ले रहा है, तो उनके जंगल के एरिया से जहां से वो लोग रह रहे हैं, तो एटलीस्ट उन लोगों को भी उसका फायदा होना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या किसी और तरीके से हो। तो ये बिल लाया गया था और इसको रेगुलेट करने के लिए नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई थी। तो दोस्तों, ये तो था जिसके बारे में मैंने आपको बताया 2002 के बिल के बारे में। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे अमेंडमेंट के बारे में कि इसमें अमेंडमेंट क्या किया गया था और क्यों आया अमेंडमेंट। तो पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो देयर इज अ सम रेस्ट्रिक्शंस टू रिसर्चर्स एंड स्टेक होल्डर्स, यानी कि कुछ ऐसे रिसर्चर्स थे, कुछ स्टेक होल्डर्स थे जो फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट कंपनी के जो लोग होते हैं, उनके लिए कुछ दिक्कतें आ रही थी इस अमेंडमेंट बिल की वजह से, मतलब सॉरी इस बिल की वजह से, अमेंडमेंट तो बाद में हुआ था। और उसके अलावा नगोया प्रोटोकॉल 2010, अब बेनिफिट शेयरिंग, ये क्या है,
तो बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफी सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, काफी सारी सेमिनार्स होती है इंटरनेशनल लेवल में, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल होता है, उसके बारे में तो मैं कभी बाद में आपको बताऊंगा। तो ये एक ऐसा नगोया प्रोटोकॉल आया था जिसमें बताया गया था कि जितनी भी रिच कंट्रीज हैं बायोडाइवर्सिटी में, वो अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करें। इंडिया ने भी इसको ज्वाइन किया था, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर दिक्कत आ रही थी कि शेयरिंग होने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी थी, काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रहे थे। तो इसकी वजह से कुछ चेंजेस लाए गए। तो चेंजेस क्या है, जैसे एग्जम्पशन ऑफ पेमेंट यह है कि कुछ तरीके की पेमेंट्स होती हैं और वो हाई पेमेंट्स होती हैं, उनको खत्म कर दिया गया है। अगर आप कोई रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, रिसर्चर है, कोई साइंटिस्ट है या कोई कंपनी है, तो उसके जो रिसोर्सेज के लिए आपको अप्लाई करने के लिए कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, जिसको खत्म कर दिया गया है। उसके अलावा बात करूं रिड्यूसिंग रेस्ट्रिक्शंस बाय गवर्नमेंट, इंटरनेशनल लेवल से अगर कोई आ रहा है और अगर कोई आके रिसोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की इतनी पाबंदियां थी, आम जो सरकारी मुलाजिम होते हैं उनकी वजह से, तो उनके कुछ ऐसे बैरियर्स आ जाते थे जिसकी वजह से एक्सेल करने में रिसोर्सेज में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। और उसके अलावा पेनल्टी प्रोविजन क्या किया गया है, इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी कि अगर कोई एनवायरमेंट का किसी भी तरीके से इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से उसको एक्सप्लॉइट करता है, तो उसके लिए कोई क्राइम नहीं है, बस एक पेनल्टी करके छोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे अमेंडमेंट जो इस बिल में किए गए हैं, लेकिन अंत में बताना चाहूंगा इस बिल को लेके काफी सारे क्रिटिसिज्म भी है। अब ये क्रिटिसिज्म क्या है, पहला क्रिटिसिज्म तो यही बताया जा रहा है कि अगर उसको डिक्रिमिनलाइज आप कर रहे हैं, यानी कि अगर आप पेड़ काट रहा है कोई इंसान जंगल में या जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको खराब कर रहा है, तो सिर्फ उसको अगर पेनल्टी देके वो इंसान छोड़ देगा तो फिर तो क्राइम ज्यादा बढ़ेगा, कोई भी उसका नेचुरल रिसोर्सेज का जो है क्या कहते हैं बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेगा। उसके अलावा जैसे पेमेंट को लेके बता रहे हैं या फिर रिड्यूसिंग रेस्ट्रिक्शन, तो एक तरह से कह रहे हैं कि ये तो एक तरह से ये हुआ कि बिल को वापस मतलब ऐसा कर दिया है कि उसको और हल्का कर दिया और एनवायरनमेंट का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलेगा। कि दोस्तों क्या होता है ना कि देखिए एनवायरनमेंट है हमारा, एक पूरा बायोडाइवर्सिटी है, अगर उसको अगर आप प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में वो हमारे ही लिए बहुत ही ज्यादा कहते हैं दुखदाई साबित होगी। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दिल्ली फ्लड के बारे में बताया था, उसमें भी कुछ इसी तरीके की बातें कही थी कि मैन मेड इंसान की वजह से ही इंसान जो है दुख झेलता है। अब देखिए जंगल जैसे मान लीजिए खत्म हो जाता है, तो जो बाढ़ आती है तो वो बाढ़ जो पानी सोख सकती है वो चीज खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं पेड़ पौधे हरियाली नेचुरल रिसोर्सेज ये जितने भी चीजें, इनका सस्टेनेबल यूज होना सोसाइटी में बहुत जरूरी है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बिल के बारे में, आप इसको जरूर मेंशन करें, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जीएस में आंसर राइटिंग में आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि एनवायरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जो बिल आया है उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।